बिल ले आना भाई। छः सौ तीस, पाँच सौ। सर ये खाना? नहीं नहीं रहने दे। सर ये बचा हुआ खाना पैक कर देता हूँ मैं आपके लिए। नहीं नहीं रहने दे, छोड़ यार, हो गया। ले जाइए सर, पैसे मिल गए ना खाने के। काम करो यार अपना, जाओ। सर ये खाना वेस्ट हो जाएगा, तो मैं पैक कर देता हूँ आपके लिए, काम हो जाएगा सर। अरे समझ नहीं आ रहा क्या जो बोल रहा हूँ? सर मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा सर मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन है मालिक, कौन है इस होटल का? है हेलो, कौन है इस होटल का मालिक, कौन है भाई? हाँ बोल, मालिक को बोला अपने। हेलो सर, सर 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 सर, आप मालिक को बुलाएंगे, हमारी शिकायत करेंगे, वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। हाँ सही है ना फिर? लेकिन कोई बात नहीं सर, बुला लीजिए आप। बुला लूँ? सर कम से कम मुझे इस बात का तो अफसोस नहीं होगा ना कि आपने खाना बर्बाद किया और मैं आपको कुछ बोल भी नहीं पाया। सर आपने जितना ही खाना छोड़ा है ना, इससे किसी भूखे का पेट भर सकता है। आपने तो इसकी मेन्यू में लिखी कीमत चुका दी है सर, लेकिन शायद आप इसकी असली कीमत नहीं जानते हैं। अगर इसकी असली कीमत जाननी है ना सर, तो सड़क के किनारे बैठे उस गरीब से पूछिए जिसने दो दिन से खाना नहीं खाया है। उस आदमी से पूछिए जो अपना पेट काट काट कर अपने परिवार का पेट भर रहा है। सर आप ये खाना छोड़ सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर ऐसे ही सब लोग खाना छोड़ते रहे तो देश में कितने खाने की बर्बादी होगी। सर यहाँ 36 तरह के लोग आते हैं, ऐसे ही खाना बर्बाद करते हैं, चले जाते हैं, बहुत समय से देख रहे हैं, पर अपनी नौकरी के डर से ना सर बोल नहीं पाते थे, पर आज हम बोल दिए सर। किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना सर। सर अगर हमारी बात आपको बुरी लगी हो तो सर हमें माफ़ कर दीजिएगा, पर ये सच है सर, और सच कड़वा होता है। क्या हुआ सर, आपने बुलाया था? सब ठीक है? आपके होटल की सर्विस मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये खाना छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। आप एक काम करिए, खाना पैक करवा के बाहर भिजवा दीजिए, मैं गाड़ी में बैठूं। सर खाना